नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद अमृताना में डॉक्टर विशाल शिवाय आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने हमेशा कल्पना की है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं, खासतौर से चूर्ण, बहुत कड़वे होते हैं। हम लोगों ने अक्सर ये एक जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के या चूर्ण के बच्चे में आएगा तो दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक करती है कि चूर्ण बहुत कड़वा होता है। खासतौर से जब वो पेट साफ करने का चूर्ण हो तो विशेष रूप से दिमाग में यही ख्याल आता है ये चूर्ण बहुत ज़्यादा खट्टा या कड़वा तरह का हो सकता है, क्योंकि ऐसे कंटेंट ही उसमें है मिले हुए हैं। चाहे वो कोई मेडिसिन उठा के आप देख लो, एरंडबत एष्टी देख लो, त्रिफला चूर्ण देख लो, आपको थोड़ा सा उसमें खटास या फिर आपको कुछ कड़वापन आपको नज़र आएगा। या हरड़ ले लो, कोई भी चूर्ण आप देख लो, एनीबडी। लेकिन शायद ये नहीं पता कि इनमें भी एक ऐसी मेडिसिन भी है जो वास्तव में स्वाद में बिल्कुल मीठा है और सबसे बड़ी चीज़ आपके पेट को साफ रखती है। ऐसी एक मेडिसिन, इसका नाम है स्वादिष्ट विरेचन। नाम से ही स्पष्ट है, स्वादिष्ट है और विरेचन है यानी मृदु विरेचन करता है। एक ऐसी मेडिसिन है जो आपका पूरी तरह से पेट साफ भी करता है और मृदु विरेचन करता है, यानी आपको कोई भी कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से आप ग्रसित हैं और आप एक सिंपल विरेचन लेना चाहते हैं, वो ये आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। विरेचन का अर्थ है आपके पेट को साफ रखना। तो आज मैं स्वादिष्ट विरेचन के विषय में आपको छोटी छोटी थोड़ी सी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। ज़्यादा बहुत डिटेल चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन जितनी बताऊंगा उतनी आपके काम की। सबसे पहले उसके घटक द्रव पे जाते हैं कि इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, शुद्ध गंधक होता है, शोधित गंधक, एक भाग शोधित गंधक मिलाते हैं। शर्करा यानी इसमें जो शक्कर की मात्रा है वो रहेगी आपका चार भाग। यष्टि मधु यानी यष्टि मधु एक ड्रग होती है जिसको मुलेठी भी कहते हैं, वो आपकी एक भाग होगी। मिश्रिया आपकी मेडिसिन रहती है, वो एक भाग रहेगी। और स्वर्ण पत्री करके जो मेन इसमें जो मोशन में काम कर रहा है वो आपकी एक भाग इसमें मेडिसिन रहती है। तो ये कंटेंट इसके जो हैं इसमें स्वादिष्ट विरेचन में रहते हैं। इस बाकी ये जो मेडिसिन है वो आप बच्चों से लेके एक 80 साल या 90 साल की दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत स्वाद में, बिल्कुल भी आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी उपयोगिता के विषय में। उपयोगिता में देखिए, ये तो आम विकारों पे उपयोग आपका उपयोग करेगा, आपका मलबद्धता यानी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। स्पेशल रूप से देखिए, इसमें शुद्ध गंधक है तो ये त्वचा पे भी काम करेगा। अगर आपके चेहरे पर मुहासे भी हैं तो ये काम करेगा, क्योंकि इसमें गंधक मिला हुआ है। गंधक का सल्फर डक्स आप जानती हैं कि आपकी त्वचा पे, त्वक विकारों पे बहुत अच्छे से काम करती है, इसलिए ये काम करेगा क्योंकि इसमें गंधक मिला हुआ है और साथ साथ बाकी चीज़ें मिली हैं जो आपके पेट को साफ रखती है। तो कितनी उपयोगी मेडिसिन है आप समझ सकते हैं। इसके बाद बात करें तो मैंने ये मेडिसिन कई लोगों को प्रेफर की और कई लोगों ने ली और उसका रिजल्ट मुझे लोगों ने बताया कि हाँ, ये वास्तव में एक अच्छी साकार मेडिसिन है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये दस्त टाइप के नहीं लगते और बहुत साधारण तरीके से आप नाइट में ये लें। नाइट में एक चम्मच आपके लगभग 6 ग्राम आप पानी से ले सकते हैं, थोड़े गुनगुने पानी से, वो आपको उनको फ़ायदा करेगा। मात्रा अनुपान की बात करूँ तो मात्रा इसकी जो बताई गई है आपकी एक चम्मच, यानी एक चम्मच आपका लगभग 5 ग्राम से 6 ग्राम बनता है। एक चम्मच यानी 5 से 6 ग्राम। तो एक दिन में 1 से 2 बार भोजन उपरांत कोष्ठ जल से एक दिन में। तो उसका अगर अनुपान और मात्रा की बात करेंगे तो एक चम्मच यानी 5 से 6 ग्राम के आसपास बनता है। तो 5 से 6 ग्राम आप ले सकते हैं भोजन के उपरांत गुनगुने पानी से। पर मैं जो ये जो एक कोटेशन है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है भोजन के पच जाने के बाद आप ये मेडिसिन लें, रात को लें ज़्यादा इफेक्ट होगी और सुबह भी आप ले सकते हैं। आप खाना खाने के थोड़ा पचने के बाद आप ले सकते हैं इस मेडिसिन को, तो आपका एक मृदु विरेचन हो जाएगा तो आपको कोई भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात की बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं होगी। अब किसी को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर है कि आप चिकित्सक का परामर्श जरूर ले लें कि आपको किस लेवल का कॉन्स्टिपेशन है, तभी आप ये मेडिसिन का उपयोग करें। इसकी जो पैकिंग है वो 60 ग्राम से 120 ग्राम तक आपको आज इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। धूत पापेश्वर स्वादिष्ट विरेचन के नाम से इसको बेचती है और विंध्य हर्बल में ये मिलती है। विंध्य हर्बल गवर्नमेंट की जो कंपनी है विंध्य हर्बल, वो इसको बनाती है अच्छे से। ये इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। चवन हर्बल बनाती है, एक नई कंपनी है, और भी कंपनियां इसको बनाती हैं। आपको मैं कुछ कुछ डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ, ये कंपनियां इस स्वादिष्ट विरेचन को बनाती हैं। तो प्रेफर करूँगा आप लें। धूप पापेश्वर की थोड़ा इजीली मिल जाएगी, बाकी कंपनियों की आपको थोड़ा सा मुश्किल जा सकती है। बाकी जो अवेलेबल मार्केट में हो आप बिल्कुल लें, बिल्कुल प्रेफर करें। स्वादिष्ट विरेचन जो योग लिया गया है वो रसन सार संग्रह से लिया गया है। तो
आपको ये मेडिसिन बिल्कुल लें और आपको इस चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, इसके साथ ही स्वादिष्ट विरेचन यहीं समाप्त करता हूँ। आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि मैं और कौन कौन सी मेडिसिन का रिव्यू करूँ, वो आपको मैं धीरे धीरे आपको अपने जो भी मैंने अपने अनुभव से जो मेडिसिनें सीखी हैं, जो मेडिसिन का उपयोग किया, मैं आपको अपने अनुभव से वो चीज़ें बताऊँगा और कौन कौन सी कंपनियाँ उनको बनाती हैं उसके विषय में बताऊँगा। तो अगली बार अगली मेडिसिन लेके मैं फिर से आपके समक्ष आता हूँ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।